दरबार में हाथ उठाकर हाजिरी लगा रहे हैं। बोल सच्चे दरबार की, दरबार की, दरबार की। ये खुला मंच है दादाजी के दरबार में। आपके मन में जो पसंद आ रहा है वो भी गा सकते हैं आप। एक बार जोरदार तारी से स्वागत करें भैया। आज ये कार्यक्रम को बड़े प्रेम से सजाया हमारे आदरणीय कक्का जी पंडा जी ने, और आप सभी का इसमें विशेष सहयोग रहा। एक सुंदर गाथा आपके समक्ष पेश है। ओरछा के राजा जुझार सिंह और भाई हरदोल बड़े प्रेम से राजपाट चला रहे हैं, लेकिन हर गांव, हर शहर, हर नगर में हर नगर में और अब तो घर 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 में अगर कोई अच्छा चल रहा है तो उसको जल्दी से उसके पैर खींचो और नीचे पटको। ठीक इसी प्रकार आज जुगलखोर ने राजा जुझार सिंह की कान भरे। कहा राजन तुम तो राजपाट में इतने व्यस्त है, तुम्हें पता भी कि तुम्हारे पीठ पीछे हो रहा है। तुम्हारे छोटे भाई रानी चंपावती के साथ में प्रेम की रंगरलिया मना रहे हैं। इतनी बार जब राजा जुझार सिंह ने सुनी तो कान भर आए, बुलावा पहुंचाया रानी चंपावती को और रानी चंपावती से कहा कि तुम ऐसा काम कर रही हो, जाओ हरदौल को विष का प्याला दो। आज हरदौल अपनी भाभी माँ की गोद में बैठकर भोजन करते हैं। ठीक इस प्रकार आज पुनः आए हैं। क्या हुआ क्या? के चुगलन चुगली करी भरे जुझार के का घर ही घर में हो रहा महापाप का। लगे ओ
बजजा रंग रलिया तू मना रही छोटे भाई के साथ। आज इतनी बात जब सुनी तो भाभी माँ की आत्मा घबरा गई के है विधाता ये तुमने क्या कर दिया। एक तरफ पतिव्रता धर्म और एक तरफ माँ की आत्मा। आज हरदोल उस कक्ष में आते हैं भोजन करने के लिए लेकिन भाभी माँ चुपचाप बैठी है। क्या कहा कि क्यों ना तुम मुझसे बात करती हो। तुम्हें किस कमरे में आना है मुझे ये तो बतलाओ मां। कि क्यों ना तुम मुझसे बात करती हो। क्या तुम किस बात का तो दादा है। क्यों ना तुम मुझसे बात करती हो। क्यों ना तुम मुझसे बात करती हो। भाभी माँ क्या कह रहे हैं। भाभी माँ मुझको सारा बदलाओ। भाभी माँ मुझको सारा बदलाओ। भाभी माँ मुझको सारा बदलाओ। बात क्या है ये मुझको सुधलाओ। बात क्या है ये मुझको बदलाओ। बात क्या है ये मुझको बदलाओ। सारा हाल बतलाया। आज जब उसका प्याला देने की बात आई तो पहला कौर धरती माँ को आज देते हैं। कहा माँ आप सब कुछ न करो आज भाभी माँ अपने पुत्र को जिसका प्याला दे रही है। क्या कह रहे हैं और मेरे ललना ए मेरे ललना कैसे खिलाऊं तुमको चाहे करने वाला कैसे मेरे ललना
आदरणीय नारायण सिंह जी पटेल साहब पंडा जी मगरहना परम सम्मानित श्री राम कुमार जी पटेल सचिव कोहनी आपकी ओर से 200 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। परम सम्मानित श्री हल्के भैया पटेल साहब मगरहना श्री देवी राम जी मीना नया पड़ा आपकी ओर से 200 रुपए की राशि। परम सम्मानित श्री माका कुशवाहा मगरहना आपकी ओर से 100 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आज भाभी का कि आत्मा रो रही है बिलक रही है आत्मा रोती है जिया कब जाना आदरणीय श्री अशोक पटेल साहब सर्रा वाले आपकी ओर से 100 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आज मैया भाभी माँ क्या कह रही है कैसे जियूंगी बिन नजर आदरणीय श्री खेमचंद जी पटेल साहब भौखड़ी कला आपकी ओर से आशीर्वाद 100 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। परम सम्मानित श्री राम गोपाल जी पटेल साहब भौखड़ी आपकी ओर से 100 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आप लोग चुपचाप ना बैठे भैया आनंद लेते चले हो। आज माँ की आंखें भरा रही है कैसे जियूंगी बिन ललना के कैसे जियूंगी बिन ललना कैसे जियूंगी बिन ललना के ललन बिना जग सूना ललन बिना जग सूना कैसे जियूंगी मृत शरीर भाभी माँ के समक्ष पड़ा हुआ है। भाभी माँ अपने लाल अपने देवरिया को बार बार उठाती है सीने से लगाती है कहा मेरे लाल एक बार तो नैना खोल दो मुख से बोल दो क्या कहा क्या We'll be right back.
मारे ओ लाजू पुलारे ललन कहां से भरा तेरे अरे डोले प्यारे ओ लाजू पुलारे ललन क्या कहा कहा मेरे लाल ये कैसी घड़ी आ गई जिसे मैंने कभी अपने संतान के विषय सोचा ही नहीं लेकिन आज कैसा परमात्मा ने मुझे तुझसे दूर कर दिया क्या कहा हेलो 101 रुपए की राशि श्री कमल किशोर जी मेहरा सरपंच साहब भौकड़ी कला की ओर से मंडल को प्रदान होते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अरे कैसी घड़ी आज आई आँख ये मेरी भर आई आखिए मेरी भरो आई ओ तेरी घड़ी आज आई हो लाला आखिए मेरी भरो आई ओ तेरी घड़ी आज आई हो लाला आखिए मेरी भरो आई आज माँ की आत्मा रो रही है बिलख रही है झूला झूलाया उंगली पकड़ के और के बचपन बीता एज बितानी कैसी घड़ी है आज ना आई माने अपने पुत्र समान देवर को गोद में रखकर छाती पीट रही है क्या कह रही है कहा मेरे लाल इस जमाने वालों ने तुम्हें मुझे जीने नहीं दिया
अगले जन्म में तू मेरी कोख से जन्म लेकर आना, फिर कौन लक्ष्य लगा सकता है। क्या कहा? एक माँ की ममता को तोड़ के जुल्म की दुनिया में डूब गई पत्ते। ममता को तोड़ के जुल्म की दुनिया में डूब गई आज माँ अपने पुत्र समान देवर को अंतिम विदाई देती है और क्या कह रही है? ए जराने तो खोलो मेरे तो खोलो मेरे लाल ललनो भाभी माँ पुकारे ओ मेरी सुनी भैर तक दे तकदी ललन भावी माँ पुकारे हैं ललन
दुलार मैना तो खोलो जरा भाभी माँ अंतिम विदाई देती है। इनकी एक बहन गुंजावती जिसका नाम वो भी आज अपने भाई को अपनी बेटी के विवाह का निमंत्रण देने के लिए आई है। परम सत्य आदरणीय श्री हरिओम जी रावत आपकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप 100 रुपए की राशि, परम सम्मानित श्री मुन्ना पटेल राणे आपकी ओर से 100 रुपए की राशि और परम सत्य श्री छुट्टे पटेल साहब भौखेड़ी कला आपकी ओर से 51 रुपए की राशि। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जब बहन गुंजा आई तो जुझार सिंह उसे धुतकार कर भगा देते कि जा तेरे भाई हरदौल के पास जा। हरदौल के चबूतरे पर जाकर बहन आवाज लगा रही है, कहा भैया ये सारा कार आपको संभालना है। चबूतरे से आवाज आएगी, जा तेरा सारा कार बेटी का विवाह में करवाऊंगा। आज वो दिन आ गया लेकिन सब कुछ नजर आ रहा है, कहीं भैया हरदौल नजर नहीं आते। बहना पुकार लगा रही है और क्या कह रही है, अरे मेरे भैया मुझे क्यों बजा दे, क्यों बीच भवर में सजा दे गए, सजा दे गए भैया 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 ए हर दिल भैया क्या कहती है, ए मेरे भैया मुझे क्यों सजा दे, मेरे भैया मुझे क्यों सजा दे, मेरे भैया मुझे क्यों सजा दे, भले मन सपने से जगा दे गए, ओहो भैया भैया ओ हर दिल भैया भैया ओ हर दिल भैया भैया ओ हर दिल